सेवा से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। राजगढ़ जिले के पचोड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना पॉजिटिव मरीज को 1 किलोमीटर दूर खेत से लाए ढूंढकर घर में ही किया होम क्वारंटाइन। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार राजगढ़ जिले में बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं प्रशासन अपने मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। जानकारी के अनुसार पचोड़ नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गंगाहोनी में यह घटना देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि गांव के एक बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव आने के बाद घर से खेत पर चले गए, जिनको स्वास्थ्य विभाग की टीम करीब 1.5 किलोमीटर खेत में पैदल चलकर खेत की पड़ताल की, खेत से लाकर घर पर होम क्वारंटाइन किया गया। इधर डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि जब हमको पता चला ग्राम गंगाहोनी में एक व्यक्ति पॉजिटिव आया है, तो हमने तत्काल उस व्यक्ति को खेत से लाकर घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता क्षमा दीक्षित, लैब टेक्नीशियन राकेश चौहान सहित स्वास्थ्य विभाग हमला ग्राम गंगाहोनी मौके पर पहुंचा। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। मैडम, क्या मामला है ग्राम गंगाहोनी में, बताएं आप। गंगाहोनी में एक पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, जिनके लिए हम कंटेनमेंट जोन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पेशेंट चूंकि उनके घर पर नहीं थे, तो हमें उनके खेत जाना पड़ा और खेत में से हमको पेशेंट को लेकर आना पड़ा। पेशेंट कोऑपरेटिव हैं और पेशेंट खुद से आ गए हैं। पास ही में घर है उनका, अलग से एक घर है जिसमें उनको कंटेनमेंट एरिया भी बना देंगे और उनको यहाँ पर क्वारंटाइन भी कर दिया जाएगा 14 दिनों के लिए। अच्छा, लगभग कितने किलोमीटर खेत में आपको चलना पड़ा इनके लिए? 1 से 1.5 किलोमीटर लगभग। अच्छा, तो इस भरी धूप में मान लो कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा आ रहा है, खेत भागता फिर रहा है, तो आप उसमें क्या मदद ले रहे हैं शासन से? शासन अगर मान लो वो कोऑपरेटिव नहीं है, तो फिर हम पुलिस को फ़ोन करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, तहसीलदार साहब को इन्फॉर्म करते हैं, फिर वो हमारी मदद करते हैं। हालांकि इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ, पेशेंट कोऑपरेटिव थे, वो खुद ही आ गए, उन्होंने खुद ने एक्स्ट्रा जो उनका घर था वो बता दिया हमको, हमने उनको वहीं पे क्वारंटाइन कर दिया। आपको टाइमिंग जो है वो सोयाबीन कटने का टाइमिंग चल रहा है, खेत में अगर किसान नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, तो इसलिए उनने भी ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया, हमने भी उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया और वो खुद से आ गए हैं, कोई तकलीफ नहीं हमें।